हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में स्पेसिफिक टैक्स रेट सेट करना सिखाऊंगा आज, ठीक है? और ये कैसे सेट करना है और कैसे आप आसानी के साथ इस तरह से वर्क कर सकते हैं, ये आज के वीडियो का टॉपिक है। और ये टैक्स रेट क्या है, चलिए ये देखते हैं। सबसे पहला काम आपको करना क्या है, सबसे पहला काम ये करना है कि यहाँ पर एक परचेज की एंट्री पास करनी है, ठीक है? मैं रिसिप्ट की एंट्री नहीं पास करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैटर है जीएसटी वाला। तो यहाँ पर आइटम वाइज टैक्स रेट कैसे सेट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कीमत के हिसाब से टैक्स रेट, ठीक है? तो यहाँ पर आए, अब ये कैश ही कर देता हूँ मैं, एंटर करता हूँ। अब चाहे तो क्रेडिटर पार्टी का लेजर रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है? ये आ गया, यहाँ पे परचेज अकाउंट आ गया। अब एक स्टॉक आइटम है हमारे पास शुगर, ठीक है? अब इसमें क्राइटेरिया कैसे सेट किया मैंने वो दिखा देता हूँ पहले। तो यहाँ पर आ जाते हैं अल्टर पे और यहाँ पे स्टॉक आइटम को अल्टर कर लेता हूँ। एक ही स्टॉक आइटम बनाया शुगर और इसको किस तरीके से मैंने टैक्स रेट रखा है जरा दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर यहाँ पे ऑन आइटम वाइज जो है टैक्स रेट जो मैंने रखा है इसको जरा ध्यान से देखिए। अगर 1 किलो चीनी की कीमत 0 से लेके 500 तक की है तो उस पर 5% का जीएसटी, ठीक है? ये तो सिर्फ समझाने के लिए शुगर कर दिया, ठीक है? अगर 1 किलो चीनी की कीमत 500 से लेके 5000, ऐसा होता थोड़ी ना कि 5000 कोई कीमत हो जाए, लेकिन देखिए यहाँ पे 5000 मैंने रख दिया समझाने के लिए सिर्फ। कोई सामान अगर परचेस किया और उसकी कीमत 5000 से, एक की कीमत 5000 से ज्यादा हो, 5000 से लेकर 5000 से ज्यादा हो, ठीक है, ग्रेटर देन 5000 हो, ज्यादा हो, तो ऐसे में 18% का टैक्स और इसपे 10% का और इसपे 5% का, बस यही तो है, ठीक है? अब इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इस स्टॉक आइटम को कोई अदर नाम दे देता हूँ, शुगर ठीक नहीं है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, लाइक यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ग्रीन टी लिख देता हूँ। ये ग्रीन टी कर दिया, इसका नाम चेंज कर दिया, बदल दिया, तो ये ग्रीन टी में आ गया। अब देखिए, अब चलते हैं यहाँ से बी बटन प्रेस करते हैं, यहाँ पर आ गए, यहाँ पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाला, एंटर किया। अब देखिए यहाँ पे कैश ही रखता हूँ, एंटर करता हूँ और यहाँ पे रेगुलर रख के एंटर करेंगे और यहाँ पे परचेज अकाउंट। अब यहाँ पे आते हैं ग्रीन टी वाला जो स्टॉक आइटम जो मैंने चेंज किया था, 1 किलो की बात करें तो 1 किलो की कीमत है मान लीजिए 100 रुपए, सपोज कीजिए, तो ये 100 रुपए पे कितने जीएसटी आएगा, 1 किलो पे कितना जीएसटी आएगा, एक तो ये 100 रुपए पे कितना आएगा, एक स्टॉक आइटम कितने का मिल रहा है उस पे जीएसटी कितना आएगा। फिर यहाँ ग्रीन टी लेते हैं और उसी 1 किलो की कीमत यहाँ है मान लीजिए 2000 रुपए, 2000 कर देते हैं सपोज कीजिए, तो ये 2000 कर दिया। और यहाँ पे फिर आते हैं तो फिर उसी 1 किलो की कीमत मान लीजिए यहाँ पर है 12000 रुपए सपोज कीजिए, तो यहाँ पर तीनों पर अलग अलग टैक्स रेट आएगा। कैसे आएगा चलिए देखिए, यहाँ पर सी जीएसटी लगा दिया और यहाँ पे एस जीएसटी लगाते हैं, ठीक है, एस जीएसटी भी लगा दिया। अब इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करा लेते हैं या एंटर 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 लास्ट तक करके और आप इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। बाहर आने के लिए स्केप बटन प्रेस करते हैं, ये तो पता ही है, तो यहाँ से स्केप बटन प्रेस कर लेते हैं। स्केप बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पे 2 बार डी प्रेस करेंगे, देखते हैं क्या स्थिति बन रही है। ये हमारा बिल है और अल्ट पी करके एंटर करते हैं और आई बटन प्रेस करके चेक करते हैं। तो अब यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा होगा सीधा सीधा टैक्स रेट, देखिए 5% कब लगा, 5% तब लगा जब इसकी कीमत 100 रुपए थी, ठीक है, और इसी की कीमत 2000 हो गई तो 10% लग गया और इसी की कीमत अगर 12000 हो गई तो इस पे 18% लग गया। यानी इस तरीके से ये जीएसटी रेट आप सेट करेंगे, ठीक है? अगर इस तरीके का कोई अगर आपको आता हो, इस तरीके की चीजें आपको करनी पड़े तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? तो ये भी एक ऑप्शन है टैली में, तो मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। अब मान लीजिए कोई दूसरा स्टॉक आइटम बना करके करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, यहाँ से जाएंगे एक नया स्टॉक आइटम बनाते हैं उसको अलग से जीएसटी रेट में सेट करके दिखाता हूँ। इसे आपको सिर्फ दिखाने के लिए जीएसटी रेट सेट कर रहा हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इस पे इतना लगेगा ही लगेगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ पल्स PULSE, ठीक है, एंटर किया और यहाँ पे केजी ही रखेंगे तो ये केजी कर दिया, जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा, यहाँ पर आ गए, ठीक है, यहाँ पे ऑन आइटम रेट, ठीक है, और फिर यहाँ पर आए तो यहाँ पे यस कर देते हैं, चलिए। और यहाँ पे 0 से लेकर अगर इसकी की 1 किलो की कीमत 0 से लेकर मान लीजिए 30 रुपए हो, ऐसा होता नहीं है लेकिन मैंने करके दिखाना है आपको, इस तरीके से मैं कर रहा हूँ, 5% हो गया 0 से लेकर, अगर दाल की कीमत 0 से लेकर 30 रुपए होती है तो इतना आ गया, ठीक है, 30 रुपए से ज्यादा और 100 रुपए तक होती है तो कितना आएगा, 30 रुपए से ज्यादा और 100 रुपए तक होती है तो इस पे 10% आएगा, और फिर इसी तरीके से 100 रुपए से ज्यादा और 300 रुपए तक होती है तो इस पे आएगा कितना, 18% कर देते हैं। और मान लीजिए कि इससे भी ज्यादा अगर हो तो उस पे कितना आएगा, उस पे आएगा 28%, 28% सीधा लगा देते हैं, ठीक है? तो 4 अलग अलग तरीके के टैक्स रेट मैंने लगाए हैं, ठीक है?
अब यहाँ पर इसको सेव कर दिया, और सेव करने के बाद जब हम एंट्री पास करेंगे, मैं दिखाता हूँ फिर से, यहाँ पे आए, यहाँ पे इस तरीके से किया, एंटर किया, एंटर किया, और यहाँ पे कैश कर देते हैं, फिलहाल कैश का लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पे आके रेगुलर कर दिया, एंटर किया, यहाँ परचेज अकाउंट आ गया। अब यहाँ पे पल्स लेते हैं, तो पल्स 1 किलो लिया, और 1 किलो की कीमत मान लीजिए 30 रुपए है, तो इस पर कितना जीएसटी आएगा वो आपने देखा। फिर यहाँ पे पल्स ही लेंगे, और फिर 1 ही किलो लेंगे, और इस बार कीमत कितनी है 120 रुपए, तो इस पर कितना जीएसटी आएगा वो भी आपने देखा है। फिर यहाँ पे पल्स ही लेते हैं और 1 ही किलो लेते हैं, और इस पे हम लगाते हैं इसकी कीमत, जैसे मान लीजिए 1200 रुपए किलो, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है, कि देखिए कैसे ये टैक्स रेट सेट हो जा रहा है। तो यहाँ पे सीजीएसटी लगा दिया, यहाँ पे एसजीएसटी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको जब मैं सेव करवाऊंगा और जब इसका प्रिंट आउट हम देखेंगे, तो इसमें आपको नजर आएगा, ये देखिए ये वाला बिल है 9 नंबर, और यहाँ से अल्ट पी करके एंटर करेंगे, आई बटन प्रेस करेंगे, तो ये देखिए ये सब पे अलग अलग जीएसटी आया हुआ है, देख रहे हैं, इस पे 5%, इस पे 18%, इस पे 28%। तो इस तरह की जरूरत अगर आपको पड़ती है तो आप कर सकते हैं, ठीक है।